दोस्तों 7 नवंबर 2023 शनिवार के दिन फिलिस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इसराइल के ऊपर जोरदार हमला कर दिया और ये उस दिन हुआ जब यहूदी अपने त्योहार की खुशियां मना रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गाजा पट्टी के आसपास खाली मैदान का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी आसमान से कुछ पैराग्लाइडर्स हथियारों के साथ आते हैं और उस जगह को शमशान बना डालते हैं। और जब गोलीबारी खत्म होती है तब 200 से भी ज्यादा इसराइली मारे जा चुके थे। हर जगह मातम का माहौल था और 100 से भी ज्यादा इसराइलियों को हमास के सिपाहियों ने बंदी बना लिया था। और ये सब इतना ज्यादा अचानक हुआ कि इसराइल को सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि ये हमला हमास ने जमीन, आसमान और पानी तीनों रास्ते से किया था। शनिवार को 6 बजे जब सारे लोग सो रहे थे तब हमास ने इसराइल की दर्जन भर अलग अलग लोकेशंस पर करीब 5,000 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद सुबह 8 बजे उन्होंने गाजा पट्टी की बॉर्डर को बुलडोजर से तोड़ दिया। कई फिलिस्तीनियंस बॉर्डर से अंदर आते देखे और सुबह 9:30 तक गाजा पट्टी के आसपास मौजूद 9 इजरायली टाउन कैप्चर्ड कर लिए गए। जो इजरायलियों ने दिखता या तो वो उन्हें मार देते या वो उन्हें बंदी मरा देते। अब हमास का इसराइल के ऊपर उनके फेस्टिवल वाले दिन अटैक करने का रीजन ये था कि पिछली बार रमजान के महीने में इजरायली आर्मी ने मस्जिद के अंदर घुसकर फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर हमला किया था। उन पर रबर बुलेट फायर किए गए थे और स्टैंड ग्रेनेड भी चलाए गए थे और शायद इसी वजह से हमास ने ऐसा किया। और इस हमले का नाम हमास ने अल अक्सा स्टॉर्म रखा है और ये पिछले 50 सालों का इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और ये हमें याद दिलाता है 1973 के वॉर की, जब इजिप्ट और सीरिया ने बिल्कुल इसी तरह सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर, जिसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे यंग किपूर वॉर कहा जाता था। इसीलिए इसराइल इस हमले से पूरी तरह से बौखला गया है और उसने तुरंत ही स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है और ऑपरेशन आयरन सॉर्ड लॉन्च कर दिया है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. हर जगह इसराइल के फाइटर जेट मिसाइल बरसा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी हमला देखने को मिल रहा है। इसराइल ने अपनी तीनों सेना, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स को पूरी तरह से हमास के खिलाफ इस वॉर में लगा दिया है और ये गाजा को कब्रिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसराइल के इस हमले को देख ऐसा लगता है कि इसराइल अब की बार गाजा को नक्शे से मिटा देगा। और इसने ये स्टेटमेंट भी दिया कि हमास को पूरी तरह खत्म कर देंगे और गाजा पट्टी को रेगिस्तान में तब्दील कर देंगे। इसके साथ साथ इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर गाजा में लाइट सप्लाई भी बंद कर दिया, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी गाजा में इसराइल के थ्रू ही जाती है। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि हमास ने बहुत बड़ी गलती करी है और इसराइल इस जंग को जीत के रहेगा, क्योंकि हमास के हमले से करीब 500 से भी ज्यादा इसराइलियों की जान जा चुकी है और 2000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। और बिल्कुल यही हाल गाजा का भी है, यहाँ भी मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन हमास के इस हमले के बाद इसराइल की सरकार को बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में गाजा पट्टी में मिसाइल इकट्ठी हो रही थी और गाजा बॉर्डर पर लगे सर्विलांस और टेक्नोलॉजी ये पता नहीं लगा पाई कि गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी मोसाद भी इस हमले को भांप नहीं पाई, जिसने साल दर साल इसराइल को न जाने कितने हमलों से आगाह किया है। और मोसाद के एजेंट लगभग हर मिडिल ईस्टर्न कंट्री में फैले हुए हैं, हर दुश्मन देश की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। लेकिन इस बार उनसे भी चूक हो गई और इसीलिए इसराइल के नेवी फॉर्मर हेड ने मीडिया में कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। इसके अलावा इस फेलियर को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है कि आखिर ये कैसे हो गया। अब कुछ देश इसराइल के साथ हैं और कुछ देश हमास के इस हमले का जश्न मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक सिर्फ शुरुआत है, बात आगे और बिगड़ने वाली है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने अपना सबसे ताकतवर नेवी जहाज इसराइल के सपोर्ट में भेज दिया है। और दुनिया की बड़े बड़े देश हमारे भारत समेत टेररिस्ट अटैक बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमास की इस घटना को शॉकिंग कहा है, जबकि हमारा भारत हमेशा से ही पैलेस्टाइन के सपोर्ट में था, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में स्थिति साफ है, यहाँ तक कि मोदी तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो पहली बार पैलेस्टीन विजिट करके आए थे, लेकिन यहाँ भारत समेत पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है और इसलिए इस हमले को आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया है। अब ये हमले पहली बार तो नहीं हुए, बल्कि हर कुछ दिनों में हमें यहाँ हमले देखने को मिलते रहते हैं, चाहे इसराइल की तरफ से हो या फिर हमास की तरफ से। लेकिन ऐसा क्यों है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, ये इसराइल और पैलेस्टीन का मैप है
अब इस मैप को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये मैप कुछ अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ इसराइल तो साफ साफ दिख रहा है लेकिन पैलेस्टीन को थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। ये जो बड़ा सा पार्ट है इस एरिया को वेस्ट बैंक कहा जाता है और ये जो रेक्टेंगल हिस्सा है इसे गाजा पट्टी कहते हैं। वेस्ट बैंक के एरिया में जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है वहाँ पैलेस्टीनियन सरकार का राज है, लेकिन पिंक कलर का जो एरिया है वहाँ इसराइल का कब्जा है। अब मैंने जो कहा कि ये नक्शा बड़ा अजीब है वो इसलिए कि यहाँ दो देश एक दूसरे के अंदर 100 से भी ज्यादा अलग अलग टुकड़ों में मौजूद है। थोड़ा दूर चलोगे तो पैलेस्टीन आ जाएगा, थोड़ा दूर चलोगे तो इसराइल आ जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, इसका भी अपना एक अलग इतिहास है। अब अगर दो देश ऐसे 100 से भी ज्यादा टुकड़ों के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनमें कॉन्फ्लिक्ट तो होगी ही। इस नक्शे के बीचों बीच बसा है जेरूसलम शहर, जो तीन धर्मों ईसाई मुस्लिम और ज्यूस के लिए पवित्र शहर माना जाता है। इसी वजह से इस शहर के हालात कुछ इन देशों की ही तरह है और यही शहर है जिस वजह से इसराइल और फिलिस्तीन में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। जहां वेस्ट जेरूसलम में मोस्टली इसराइली पॉपुलेशन है, वहीं ईस्ट जेरूसलम में इसराइली और पैलेस्टीनी दोनों रहते हैं, लेकिन पैलेस्टीनी की आबादी यहां थोड़ा ज्यादा है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीन का हिस्सा है, लेकिन वहां इसराइल ने जबरदस्ती इलीगल कब्जा करके रखा हुआ है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से ईस्ट जेरूसलम से पैलेस्टीन परिवारों को वहां से इसराइलियों द्वारा भगा दिया गया और ये आरोप है इसराइली सरकार के ऊपर कि उन्होंने ढेर सारे पैलेस्टीन परिवारों को वहां से बाहर निकाल फेंका, जैसे कि इनके साथ कभी हुआ करता था हिटलर के जमाने में। अब ये तो थी इसराइल और पैलेस्टीन की बात, लेकिन अगर हम बात करें नक्शे के एंड में मौजूद गाजा पट्टी की, तो यहाँ पैलेस्टीनी सरकार मतलब इनके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक मिलिटेंट ग्रुप ने कब्जा करके रखा है जिसका नाम है हमास, और इसी हमास ने दो दिन पहले इसराइल के ऊपर हजारों मिसाइल दागे हैं। अब अगर हमास के बारे में डिटेल में बात करें तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसके अलावा ये अपने आप में ही एक सरकार है, क्योंकि वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनी सरकार है उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पैलेस्टीन से एकदम अलग काम करते हैं, जिस वजह से कुछ देश जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, इजराइल और जापान इसे एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जैसे रूस, टर्की, ईरान, नॉर्वे और चीन, ये इस ग्रुप को टेररिस्ट नहीं मानती। इनका कहना है कि ये अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इजरायली सरकार ने जो इनके देश को इलीगल हथिया लिया है वो सिर्फ इसे वापस चाहते हैं, और इसी वजह से इजरायल और हमास आए दिन एक दूसरे के ऊपर रॉकेट चलाते रहते हैं। और इजरायल के लिए अच्छी बात ये है कि इनका जो आयरन डोम है वो हमास की तरफ से आने वाली मिसाइल से होने वाले नुकसान को 90% तक कम कर देता है। इस सूरत में देखा जाए तो इन हमलों में ज्यादातर नुकसान गाजा में रहने वाले लोगों का ही होता है, और हमास का गाजा के ऊपर कब्जा होने की वजह से इस गाजा पट्टी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, तीन तरफ से इसराइल से और एक तरफ से इजिप्ट से, और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं है। अब इकोनॉमी यहाँ कुछ भी नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ हालात काफी ज्यादा खराब है, गरीबी हद से ज्यादा है, तो इसी गरीबी की वजह से बाहर की दुनिया के लोग यहाँ रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा हमास हथियार खरीदने के लिए ही इस्तेमाल करता है। अब कुछ लोगों का सोचना होगा कि मैप के हिसाब से ये लड़ाई तो इसराइल और फिलिस्तीन के लोगों की है, तो ये हमास क्यों इसराइल के ऊपर मिसाइल मारता रहता है? तो इसका जवाब छिपा है हमास के इतिहास में, जब ये संगठन बना। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो हद से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। साल था 1987 जब एक इसराइली ड्राइवर से एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें चार पैलेस्टीनी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेंशन बढ़ जाती है, दोनों पक्षों में झगड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। अब इसराइल के साथ पुरानी दुश्मनी तो थी ही, इसी वजह से कुछ लोगों का एक संगठन बनता है जिसका नाम होता है हमास करना, और कुछ सालों के बाद सन 2007 में इसका गाजा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, और तभी से हमास और इसराइल की सरकार की ये लड़ाई चली आ रही है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि पहले इन्होंने हमला किया। लास्ट में बात इस बात पर रुक जाती है कि इन्होंने हमारे देश में इलीगल कब्जा किया है इसीलिए हमने इन पर हमला किया, और ये बात शांति पर नहीं रुकती बल्कि एक के बाद एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं। लेकिन आप कोई फैसला लें कि कौन सही है कौन गलत, तो पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर क्या कहते हैं। जब इसराइल लगातार पैलेस्टीन के लोगों को घर खाली करा रहा था और वहाँ के नियम भी अपने हिसाब से बदल रहा था, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने ये कहा था कि जो इसराइल लोगों का एवेक्शन करा रहा है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है
और इस चीज से ग्राउंड लेवल पर टेंशन बढ़ सकती है। वहीं अमेरिका का कहना है कि जो लॉ इसराइल ने वहां लगाए हैं वो लॉ इनहेरिटी डिस्क्रिमिनेटरी है और जो इसराइल के लोग इन फलस्तीनी लोगों के घरों में जाकर उनको उनकी जगह से हटा रहे हैं वो भी गलत है। अब इससे ये तो समझ में आ गया कि जो इसराइल ने इतने सालों में फलस्तीनियों को उनकी जगहों से हटाया है और उनकी जगह पर कब्जा किया है वो इन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के हिसाब से गलत है और इन्हीं सब वजह से आज इतना टेंशन बढ़ गया है कि कई हजार लोग और मासूम लोगों की जान इन हमलों में जाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हमास को देखें कि जो वो करने लग रहा है रॉकेट दागना मिसाइल दागना वो सही है तो इसका जवाब भी है न, हमास भी यहाँ गलत है क्योंकि जो हमास या इजरायली मिलिट्री एक दूसरे पर रॉकेट मारती है वो ज्यादातर ऐसे एरिया में गिरते हैं जहाँ आम लोग रहते हैं और जान भी ऐसे ही आम लोगों की जाती है। अब जैसे हमास ने जो इजरायली लोगों को बंदी बनाया है वो आम लोग ही है, इन्होंने किसी भी पॉलिटिशियन को बंदी नहीं बनाया और इजरायल ने भी जो जवाबी हमला किया उसमें मासूम लोगों की ही जान गई है। मरने वाले दोनों ही तरफ के लोग ऐसे हैं जो जंग करना नहीं चाहते, वो सिर्फ शांति चाहते हैं और शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और ये सब हो रहा है वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से। वहाँ की पॉलिटिशियंस और मिलिटेंट ग्रुप ने लोगों के दिलों में इतना ज्यादा जहर भर दिया है कि हर फिलिस्तीन को लगता है कि हर इजरायली गलत है और हर इजरायली को लगता है कि सारे फिलिस्तीनियन आतंकवादी है। इसी वजह से यहाँ हर दिन टेंशन बनी रहती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि वॉर कब शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे फिलिस्तीनी लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और ये भी नहीं है कि सारे इजरायली अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मिलजुल कर रहने पर बिलीव करते हैं लेकिन शायद जो कट्टरपंथी ग्रुप है वो ऐसा नहीं चाहते। वहाँ के लोगों के दिल में इतनी ज्यादा नफरत क्यों है इसका जवाब छुपा है वहाँ के धार्मिक और जियोग्राफिक इतिहास में, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वरना वीडियो हद से ज्यादा बड़ी बन जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।